हे गाइस, मेरा नाम चंदकी शुभ बख्शी एक्सप्लोरिज्म की तरफ से मैं आपको स्वागत करता हूं। और आज मैं करने वाला हूं, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमारा स्टेबल पाई आ चुका है एंड्रॉयड पाई एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में और एसुस ज़ेनफोन मैक्स M2 में आया है। तो अभी और आने वाला है कि मैक्स प्रो M2 में भी और M1 में भी आने वाला है। तो देखिए हुआ क्या है, आज सुबह से 10 बजे 9:30 बजे शायद अपडेट आया था उसका और बहुत से लोगों ने कर भी लिया है उसको, बहुत से लोगों को मिल गया है और उसमें से मेरे ख्याल से 10% लोगों को मिला है, बाकी 90% लोग सिर्फ चेक नाउ बटन दबाए पड़े हैं उसको लिए यही है। सो मैंने क्या किया है, बहुत से ये हुआ था कि इसमें पता चला कि बाद में कि हमको एंड्रॉयड बीटा इंस्टॉल करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों का OTA जो आया, OTA का जो साइज़ था, जो कि जो लोग ओरियो में थे उसका साइज़ था 1.6 GB और जो लोग बीटा पाई में थे उसका साइज़ था 390 MB कुछ समथिंग इस तरह का था। तो अब हुआ क्या है कि अब जो हम कर रहा हूँ, मैं बीटा में आ गया हूँ वो इसलिए क्योंकि 1.6 GB आ ही नहीं रहा है अपडेट। तो मैं बीटा में हूँ अभी, बीटा पाई में, और जब भी मैं इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ सिस्टम अपडेट्स में तो ये हो नहीं रहा। और आप देख सकते हैं 2:18 में मैंने इसको किया था जो कि जस्ट 1 मिनट बाद, और करने के बाद भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। सो इशू क्या आ रहा है, इशू ये हो रहा है कि भाई या तो इन लोगों ने सर्वर से फाइल हटा दी है या सर्वर डाउन हो गया है, या दो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जो कि अपडेट नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये कि ये लोग अब एसएस वाले क्या करते हैं कि अपने को OTA में भी देर करते हैं आने में। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो फाइल्स पहले तुरंत आ जाती थी सर्वर से मैनुअल लिंक की, अब वो भी नहीं आती है। तो अब ये हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि कितना टाइम ले रहा है इसको अपडेट मतलब चेकिंग करने में। इसका मतलब है कि इनका सर्वर बहुत स्लो हो चुका है क्योंकि बहुत से लोग अराउंड द इंडिया, मैं बोलूँगा कि बहुत से लोग अब इसको इंस्टॉल कर रहे हैं या कर चुके हैं या ऐसी तरह से देख रहे होंगे। तो यही सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि करे तो करे क्या इसमें, क्योंकि कोई अपडेट नहीं आ रहा है। अपडेट चेक कर लिया है और कुछ और भी अपन कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है भाई कि मैंने जो दूसरे जो लोगों ने बंदों ने किया है उन लोगों ने मेरे को बताया, देखिए इसमें कोई अपडेट नहीं आ रहा है, अभी भी हो गया कुछ भी नहीं, कोई अपडेट नहीं आया है। और लोगों ने बताया है कि पबजी में HD सपोर्ट नहीं मिला है। तो HD सपोर्ट, अगर आप पबजी गेम खेलते तो इसमें HD सपोर्ट नहीं मिला है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीटा पाई है ना वही उसी को उनने स्टेबल पाई कर दिया है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है और बिल्कुल वैसे ही है। और दूसरी चीज़ ये कि बाकी कोई ऑप्शन उन्होंने नहीं किया है। डिजिटल वेलबींग भी नहीं आया है जो कि पाई में आता है हमेशा, वो भी नहीं आया है। अगर आप उसको ऐप को इंस्टॉल करेंगे फिर भी वो वेल डाउन करके जो रहता है, जो एक ऑप्शन जो फीचर रहता है वो नहीं मिल पाएगा आपको, तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर वेलबींग करने का। दूसरी बाकी तो बिल्कुल बीटा ऐसा है, मेरे को समझ नहीं आया कि उसने दिया क्या है क्योंकि कोई फीचर्स ऐसे नहीं हैं जो कि ऑफिशियली हमको एंड्रॉयड पाई में मिलते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं मिला है। सो ये मैं बोलूँगा जो लोग बीटा में है ना वो बीटा में ही रहे, अगर वो इतना जल्दबाजी ना करे कि उनको स्टेबल में करना है, थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ ये है कि बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी है पाई में, वो तो होना ही है, पाई में परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। और कुछ बताने को है ही नहीं इस वीडियो में, मैं आपको क्या बताऊँ अपने डिवाइस में दिखा के। तो यही है कि भाई मैं बोलूँगा कि कुछ भी नहीं मिल रहा है और अभी तो सब सर्वर डाउन पड़े हुए हैं। और अगर इनके पास इतने सर्वर्स नहीं थे तो इनको लिंक दे देना चाहिए था बीटा यूज़र्स को उनके ईमेल में, जैसे कि पिछली बार दिया था। तो उससे ये होता है कि लोग डाउनलोड कर लेते फिर उसको मिरर बना देते उसकी, तो उससे कॉपी क्लोन बन जाती लिंक्स और लोग फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे दूसरी जगह, तो इससे सभी लोग इंस्टॉल कर पाते स्टेबल। लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकते, तो कुछ भी नहीं है अभी। सो यही है भाई, मैं उसमें और कुछ नहीं बता सकता हूँ उस वीडियो में, सिर्फ इतना ही है। और जब भी जैसे कोई OTA या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है और क्या क्या हुआ है कैसे है। तो अभी सबके सब बैठे हुए हैं पूरे ग्रुप में, हो हल्ला मचा हुआ है कि क्यों नहीं हो रहा है। सब उनके एसएस चैट में जाके देखेंगे तो कम से कम 50 क्यू में, यानी कि 50 लोग उनसे क्वेश्चंस पे लादे पड़े हैं और खूब उनको सुनाए पड़े हैं अच्छे से। तो यही मैं बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए और जैसी आती है मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, और अब तो ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दे के रखा हुआ हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फिर आप उसमें पूरी अपडेट अपने पा सकते हैं कैसा है। तो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिए, कुछ बताने को है नहीं तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखूँगा मैं। तो मेरा नाम चंद्रकिशोर बख्शी एक्सप्लोर की तरफ से मैं आपको बाय बोलता हूँ, बाय बाय।